हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारी ऑनलाइन क्लास में। तो जैसा कि बच्चों आप देख रहे हो, हम 11th फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 मात्रक और मापन पढ़ रहे हैं। विमाएं हम पूरी कर चुके हैं और पिछले टर्न पर हमने एरर से स्टार्ट किया है, त्रुटि स्टार्ट की है। तो कल आपने जाना कि त्रुटि क्या होती है, वास्तविक मान और मापित मान का अंतर त्रुटि कहलाती है। मूल रूप से 3 प्रकार की थी, क्रमबद्ध, यादृच्छिक और स्थूल। और क्रमबद्ध के 5 टाइप कल आपने पढ़ लिए थे, ठीक है ना। आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं बच्चों नई त्रुटि की। अब ये बहुत इजी है, अभी खत्म हो जाएंगी, 5 मिनट के लास्ट। यादृच्छिक त्रुटि और फिर हम बात कर लेंगे स्थूल त्रुटि की, ताकि थ्योरेटिकल खत्म हो जाएगा फिर कुछ आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यादृच्छिक त्रुटि का मतलब है हर बार अलग त्रुटि आना। यादृच्छिक मतलब कुछ भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल्स, इस बोर्ड की लंबाई मैंने जैसे कल मानी 2.2 मीटर है, मुझे पता है 2.2 मीटर है। फिर मैंने यहाँ ऐसे समझो कि मुझे इस बोर्ड की एक्चुअल लंबाई नहीं पता, चलो मैं आलसी हूँ, मैं खुद नहीं आप नापने नहीं गया। मैंने क्लास में से 5 बच्चों को उठाया, मैंने कहा बच्चों इसकी लंबाई नाप के लाओ। 5ों बच्चों ने लंबाई नापी, किसी ने कहा साहब 2.1 मीटर, किसी ने कहा 2.15, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ। तो मैं सही किसे मानूंगा, मुझे तो पता ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, उनका औसत निकालेंगे। मेरी बातें फील करो आप। कोई रीडिंग आपको बहुत सारे बच्चों ने दिखाई कि साहब इतने 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 मान आए, तो आप सही किसे मानेंगे भाई, उनमें से तो किसी को नहीं मान सकता, सब अलग अलग है। हम सही मानेंगे उस मान को जो औसत आएगा। औसत निकालना आप जानते हो, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, औसत निकाल लीजिए तो जो औसत मान होगा उसी को सही माना जाएगा। ऐसी ही कुछ यादृच्छिक त्रुटि है। जब आप अनेक बार एक्सपेरिमेंट करते हो, बार बार एक्सपेरिमेंट करते हो, अलग अलग त्रुटियां आती हैं, वो यादृच्छिक त्रुटि कहलाती है। और इसे कम करने का एक ही तरीका है कि औसत निकाला जाए। क्या निकाला जाए बच्चों, औसत। ध्यान से पढ़ना यादृच्छिक त्रुटि कि यदि प्रेक्षण लेते समय, जब आप रीडिंग ले रहे हो, अलग अलग त्रुटियां प्राप्त हों, अगर आप रीडिंग ले रहे हो, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और एक्सपेरिमेंट के दौरान आपको अलग अलग एरर्स, या फिर ऐसे कह दो कि अलग अलग वैल्यू प्राप्त हों, क्योंकि अलग अलग वैल्यू प्राप्त होने का मतलब ही है अलग अलग त्रुटियां प्राप्त होना। यदि प्रेक्षण लेते समय अलग अलग त्रुटियां प्राप्त हों तो इन्हें कौन सी त्रुटि कहते हैं, यादृच्छिक त्रुटियां कहा जाता है। यदि प्रेक्षण लेते समय अलग अलग त्रुटियां प्राप्त हों तो इन्हें यादृच्छिक त्रुटियां कहा जाता है। और आप याद रखना, इसमें औसत मान कॉमा लगा के वास्तविक मान माना जाता है। अब बच्चों औसत जितनी राशियों का ज्यादा होगा, जैसे मान लो आपने 5 बच्चे भेजे तो 5 का औसत निकालेंगे, 10 भेजे होते 10 का औसत निकालता। जितनी ज्यादा संख्याओं का औसत निकालोगे उतना अच्छा आंसर माना जाएगा, ये आप ध्यान रखना। नॉर्मल सी बात है, आप इसको नोट कर लेना, है ना। एक और देख लीजिए, स्थूल त्रुटि। कल मैंने आपको क्रमबद्ध में एक मानवीय त्रुटि बताई थी ना, वही स्थूल त्रुटि है। व्यक्तिगत, इसको अलग से पढ़ लेते हैं, आखिर कोई खास लॉजिक नहीं इन चीजों के भाई। व्यक्तिगत लापरवाही, अनुभवहीनता, कल पढ़ा चुका हूं मैं इसको, के कारण उत्पन्न त्रुटि। व्यक्तिगत लापरवाही या फिर उसके अनुभवहीनता के कारण उत्पन्न त्रुटि स्थूल त्रुटि कहलाती है।
अब देखो ये त्रुटि कैसे कैसे हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल्स, पाठ्यांक पढ़ते समय गलती हो जाए, पाठ्यांक पढ़ते समय गलती हो जाए। भाई आप पढ़ रहे हो, देखो जब भी रीडिंग देखी जाती है ना किसी चीज़ की, सुई को देखना आप, तो हम बिल्कुल लंबवत देखते हैं उस स्क्रीन में। अगर आप टेढ़ा मेढ़ा देखोगे ना तो एक आध ब्लॉक या ऐसा कहूँ कि छोटी मोटी एरर तो आना पॉसिबल है, और पॉसिबल नहीं आ ही जाएगी, कन्फर्म मान लेना। तो जब भी रीडिंग देखी जाती है ना तो बिल्कुल आँखें स्क्रीन के लंबवत होनी चाहिए। और मान लो जो व्यक्ति ऑब्जर्वेशन कर रहा है वो थोड़ा तिरछा देख ले, थोड़ा टेढ़ा देख ले, तो गलती होना पॉसिबल है। तो पाठ्यांक लेते समय गलती हो जाए, या पाठ्यांक लिखते समय गलती हो जाए, ऐसे बहुत सारी इसकी गलतियां हो सकती हैं। बिल्कुल ठीक है ना, तो आप एक बार इसे नोट करें। अब भाई देखो ये थ्योरेटिकल है, जैसी परिभाषाएं हैं वैसी ही पढ़ानी पड़ती हैं, कोई विशेष लॉजिक है नहीं है। अब सुनना ध्यान से, आप सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है भाई, आप सुने ध्यान से। अब अगर त्रुटि की बात करूं तो एक्चुअल में जो सवाल होंगे त्रुटि के वो यहां से स्टार्ट होंगे। ये तो त्रुटियों की छोटी मोटी बातें थी जो हमने जानी। अब देखना आप आगे है ना, अब इंपॉर्टेंट स्टार्ट है, लॉजिकली बात हम अब करेंगे। देखिए ये इंपॉर्टेंट भी है, इंपॉर्टेंट लिख दूं इसको ना। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा परम त्रुटि, क्या पढ़ेंगे हम, परम त्रुटि, एब्सोल्यूट एरर। परम त्रुटि किसे कहते हैं सुनना। मान लीजिए आपने एक भौतिक राशि के बहुत सारे मान प्राप्त कर लिए, समझना। फॉर एग्जांपल्स आप कोई रीडिंग लेने गए, पहली रीडिंग A1 आई, अरे कुछ भी 1.45, 40 जो भी आई होगी यार। दूसरी रीडिंग आपकी A2 आई, तीसरी रीडिंग आपकी A3 आई, ऐसे करते करते आपने N रीडिंग निकाली। अब ये N जितना ज़्यादा होगा उतना हमारे लिए अच्छा है, या मैं ऐसे कहूँ और अच्छा मान प्राप्त होगा। ये हमारे पाठ्यांक आए, पाठ्यांक। अभी पाठ्यांक सवाल पर डिपेंड करेगा, किसी चीज़ के हो सकते हैं, आवर्तकाल हो सकता है, अपवर्तनांक हो सकता है, वगैरह वगैरह जो भी होगा हम देख लेंगे। अलग अलग पाठ्यांक आए। तो मैंने कहा ना भैया त्रुटि का तो सीधा सा सूत्र है, वास्तविक मान माइनस मापित मान। तो मापित मान सो मेरे पास में बहुत सारे हैं, आप वास्तविक मान किसे मानोगे, आप वास्तविक मान किसे मानोगे। तो मैंने कहा जब बहुत सारे मान हो, यादृच्छिक पढ़ाया भी आपको, बहुत सारे मान हो तो उनका एवरेज निकाल लो। क्या निकाल लो, एवरेज, वो बन जाएगा वास्तविक मान। तो जब मुझे बहुत सारे मान दिए जाएंगे तो सबसे पहले मैं उनका माध्य, एम, एम मतलब मीन, इंग्लिश में माध्य को मीन बोलते हैं, इसलिए एम लगाया है। माध्य कैसे निकालेंगे बच्चों, राशियों का योग, जितनी भी राशियां दी गई हैं सबका योग कर देंगे, बटे राशियों की संख्या एन है, एन से भाग दे देंगे। सबसे पहला स्टेप होगा मेरा औसत निकालना। परम त्रुटि का प्रतीक डेल्टा ए होता है, डेल्टा ए। जैसे पहली रीडिंग कौन सी है, A1, तो पहली रीडिंग की परम त्रुटि हो जाएगी साहब डेल्टा A1। क्या आएगी, डेल्टा A1। दूसरी रीडिंग की त्रुटि कितनी आएगी, डेल्टा A2, इस तरीके से। और त्रुटि का सूत्र क्या बताया मैंने आपको, वास्तविक मान माइनस मापित मान, और वास्तविक किसे मानेंगे अपन, औसत को, ये वास्तविक मान हो गया AM, माइनस पहला मापित मान कितना है A1, ये हो गई पहली रीडिंग की परम त्रुटि। दूसरी रीडिंग की परम त्रुटि वास्तविक मान माइनस मापित मान, वास्तविक तो फिक्स हो गया ना, ऐसे ही nवीं रीडिंग की परम त्रुटि वास्तविक मान माइनस nवां मापित मान। कुछ खेल समझ में आया, एक नाम बहुत फेमस है त्रुटियों के लिए भैया, ये कौन सी त्रुटि, परम त्रुटि, कौन सी त्रुटि, परम त्रुटि। तो परम त्रुटि त्रुटि वही वास्तविक मान माइनस मापित मान, पर ध्यान रहे आपको वास्तविक मान कौन सा मानना है, बहुत सारे मान दिए जाएं तो जो उनका औसत मान होगा, जो उनका औसत मान होगा उसे हम वास्तविक मान मापे मानेंगे। ध्यान से देखें, मैं इसको लिखता हूं और मेरे साथ आप लिखने का प्रयास भी करेंगे।
सुनना, सबसे पहले हेडिंग आती है परम त्रुटि की, तो परम त्रुटि की वही परिभाषा जो आप त्रुटि की पढ़ चुके हो, भौतिक राशि के वास्तविक, या इसी को हम औसत भी कह सकते हैं, औसत को ही वास्तविक कहेंगे, भौतिक राशि के वास्तविक मान तथा मापित मान, भौतिक राशि के वास्तविक मान तथा मापित मान का अंतर परम त्रुटि कहलाता है। पहली बात तो परिभाषा, भाई देखो काफी चीज तो इसमें आपको याद है, आपको मैं वास्तविक मान और मापित मान का अंतर तो पढ़ा चुका हूं, वही तो चीज है, बस थोड़ा सा दिमाग रखना कि वास्तविक मान निकालने के लिए आपको औसत निकालना हो। आप समझे, आप जैसे एक बात और समझ लें कि इसका जो प्रतीक है वो रीडिंग के आगे डेल्टा त्रिभुज लग जाएगा, डेल्टा ए जैसे। मान लो, माना किसी भौतिक राशि के प्रेक्षण मतलब ऑब्जर्वेशन मतलब रीडिंग A1, A2, A3, An है। आप मान लो कि कोई भौतिक राशि है जिसके जो मान आपको दिए गए हैं वो A1 से लेकर An तक हैं, A1 से लेकर An तक है, तो सबसे पहले आप निकालोगे औसत मान, औसत मान, और औसत मान का प्रतीक रहेगा साहब AM, और औसत होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, इन सभी राशियों का योग बटे इन राशियों की संख्या। सबसे पहले आप निकालोगे औसत, समझो मेरी बात, परम त्रुटि की परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी, वास्तविक मान मापित मान का अंतर, वास्तविक मान आप औसत मान को कहोगे, प्रतीक इसका डेल्टा ए रहेगा। अगर बहुत सारी राशियां दी जाएं तो सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा बच्चों, सवाल में इसी क्रम में करूंगा, औसत मान निकालूंगा। अतः अब निकालेंगे परम त्रुटि, तो अलग अलग प्रेक्षण की अलग अलग परम त्रुटि निकलती है। प्रथम प्रेक्षण में परम त्रुटि जिसको लिखेंगे हम डेल्टा A1, तो परम त्रुटि क्या कहती है, वास्तविक मान माइनस मापित मान, वास्तविक मान कौन सा माना जाएगा AM, और पहला मापित मान कौन सा है A1, तो AM माइनस A1 पहले में। दूसरे प्रेक्षण में परम त्रुटि डेल्टा A2 निकाल लेंगे अपन, AM माइनस A2, और इसी तरीके से nवें प्रेक्षण में परम त्रुटि डेल्टा AN, AM माइनस AN। बताओ परम त्रुटि समझ में आई कि नहीं आई, काफी इंपॉर्टेंट है, लॉजिकल है और मस्त तरीके। अब त्रुटियां तो अब स्टार्ट हुई, समझो कल का लेक्चर तो खाली थ्योरेटिकल था, बुकों में लिखा होता है, बाई चांस क्वेश्चन आ जाए इसलिए पढ़ाना भी पड़ता है भाई, बाकी ये त्रुटियां आपको समझ में आई कि नहीं आई आप तो ये समझिए। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात हमने किसकी की, परम त्रुटि की, वास्तविक मान मापित मान का अंतर परम त्रुटि है, प्रतीक डेल्टा ए है, और परम त्रुटि कैसे निकलती है वो आपको समझ में आ गया ना। वास्तविक मान माना जाता है औसत मान को, और मापित मान आपके पास में बहुत सारे हैं, A1 A2 AN तक, क्लियर है। तो ये कहानी है आपकी परम त्रुटि की। परम त्रुटि के बारे में आप एक बात और लिख लेने, यहां स्टार लगा करके, कि परम त्रुटि धनात्मक कोमा ऋणात्मक या शून्य हो सकती है,
हो सकता है कि परम त्रुटि प्लस की रही हो सकता है परम त्रुटि माइनस की रही हो, या ये भी पॉसिबल है कि कितना आंसर आ जाए, जीरो। एक बार आप परम त्रुटि को बोर्ड से नोट करिए। चलो ठीक है, परम त्रुटि स्क्रीन पॉज करके लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना भाई ना, टाइम नहीं बिगाड़ेंगे, मैं आगे बढ़ता हूँ ना। परम त्रुटि के बाद एक परम त्रुटि आपको समझ में आ गया। बस परम त्रुटि के बारे में स्टेप याद रखें आपको कि जब आपको बहुत सारे मान दिए जाएं, सुन लेना बार बार बोल रहा हूँ, तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, औसत AM, और फिर AM में सबको माइनस कर लोगे, अपने आप सारी परम त्रुटियाँ आ जाएंगी। परम त्रुटियों के बाद जो नंबर दूसरा नाम आता है वो होता है माध्य परम त्रुटि। क्या आता है, माध्य परम त्रुटि। तो परम त्रुटि कितना होता है, डेल्टा ए प्रतीक, और माध्य के लिए आप ऊपर बार और लगा दो, ये लो। तो ये किसका प्रतीक बन गया साहब, माध्य परम त्रुटि का। परम त्रुटि का प्रतीक क्या था, डेल्टा ए, और माध्य परम त्रुटि का प्रतीक क्या है, डेल्टा ए का बार, डेल्टा ए का बार। अब जैसा कि इसका नाम है माध्य परम त्रुटि, तो परम त्रुटियों का औसत, देखो प्रतीक समझना आप, परम त्रुटि कौन कौन सी हैं, पहली परम त्रुटि डेल्टा ए वन, दूसरी परम त्रुटि डेल्टा ए टू, तीसरी परम त्रुटि डेल्टा ए थ्री, और लास्ट की परम त्रुटि डेल्टा ए एन। अब ये प्लस माइनस जीरो हो सकती हैं, इसलिए सबका पहले तो मापांक लेंगे, ध्यान रखना परम त्रुटियों का मापांक लिया जाएगा। और जैसा कि नाम है माध्य परम त्रुटि, फिर इन परम त्रुटियों का, ये परम त्रुटियां हैं, औसत मतलब राशियों का योग सबका, और कितनी है ये एन है, एन से डिवाइड कर दो, ये सूत्र बन के आ गया माध्य परम त्रुटि का। अगर परिभाषित शब्दों में हेर फेर देख रहा आप, तो माध्य परम त्रुटि तो आपको नाम से ही लगना चाहिए परम त्रुटियों का माध्य, मतलब परम त्रुटियों का औसत, और एक शब्द और याद रख लेना, परम त्रुटियों के परिमाणों का औसत। दोबारा बोलता हूं देखना, एक तो परम त्रुटि दिमाग में डेल्टा ए, और माध्य परम त्रुटि डेल्टा ए बार, तो इसकी परिभाषा क्या होगी सुनना, क्या परम त्रुटियों के परिमाणों का औसत। भाई पहले परम त्रुटि निकालेंगे डेल्टा ए वन डेल्टा ए टू ऐसे ऐसे, फिर उनके परिमाण निकालेंगे, परिमाण समझ गए ना, चिन्ह को गायब कर देंगे, सिर्फ धनात्मक संख्या की बात की जाएगी। तो परम त्रुटियों के परिमाणों का फिर निकालेंगे औसत, तो परम त्रुटियों के परिमाणों का औसत कॉमा लगाइएगा माध्य परम त्रुटि कहलाता है। जो परम त्रुटियां आएंगी उन परम त्रुटियों के औसत, परम त्रुटियों के परिमाणों का औसत, ये मेन शब्द है, परम त्रुटियों के परिमाणों का औसत माध्य परम त्रुटि कहलाता है। सूत्र कैसे बनेगा देखना, ये दिमाग लगाना आप, तो परम त्रुटि डेल्टा ए, माध्य के लिए क्या लग जाएगा बार, तो पहले परम त्रुटियों का परिमाण लो, पहली परम त्रुटि डेल्टा ए वन का परिमाण, दूसरी परम त्रुटि डेल्टा ए टू इसका परिमाण, बटे ये जो निकल के आया, ये क्या निकल के आया साहब, माध्य परम त्रुटि, लिख लो जल्दी से, सवालों में मजा आएगा इसमें सब, है ना, परम त्रुटि माध्य परम त्रुटि। ठीक है ना भाई, नेक्स्ट, एक तो हो गया परम त्रुटि,
दूसरा हो गया साहब माध्य परम त्रुटि, तीसरा देखिए दो और हैं फिर क्वेश्चन देखेंगे इसके, नंबर तीसरा है आपेक्षिक कह दो या इसी को सापेक्ष कह दो या इसी को भिन्नात्मक कह दो, तमक त्रुटि कौन कौन सी हैं, आपेक्षिक या सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि, एक ही बात है, तीनों का एक ही मतलब है, कौन कौन सी, आपेक्षिक सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि। अब ये कैसे निकलेगी, सूत्र याद कर लेना, परिभाषा लिखा दूंगा, खैर देखना आप तो एक ही नाम याद रखना इसमें, आपेक्षिक त्रुटि। तो आपेक्षिक त्रुटि का सूत्र क्या है, सूत्र याद कर लो, परिभाषा इसी से बनेगी, ये सूत्र आपको याद होना चाहिए, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आगे जाकर के यही बन जाएगी, कौन सी, डेल्टा ए बार बटे ए एम, डेल्टा ए बार बटे ए एम। अब आप दिमाग लगाओ साहब, डेल्टा ए बार क्या चीज है, देखो ए कोई रीडिंग होगी, डेल्टा लग गया मतलब परम त्रुटि, और बार लग गया मतलब ऊपर वाली चीज तो है माध्य परम त्रुटि, और ए एम औसत मान, ए एम क्या है, औसत मान। तो परिभाषा क्या होगी साहब, माध्य परम त्रुटि, माध्य परम त्रुटि तथा औसत मान का अनुपात, दो चीजें हैं इसमें, एक तो डेल्टा ए बार और एक है ए एम, डेल्टा ए बार को क्या बोलूंगा मैं, माध्य परम त्रुटि, और ए एम क्या है, औसत मान। तो माध्य परम त्रुटि और औसत मान का अनुपात आपेक्षिक त्रुटि कहलाता है, आपेक्षिक कह दो सापेक्षिक कह दो भिन्नात्मक कह दो एक ही नाम है, ठीक कहलाता है। और एक लास्ट चौथी और फिर क्वेश्चंस देखते हैं भाई, प्रतिशत त्रुटि, तो प्रतिशत त्रुटि क्या होती है, इसका सीधा सूत्र याद रखेंगे आप, अभी ये आपने कौन सी त्रुटि निकाली है आपेक्षिक, इसमें 100 से गुणा और कर देना, परसेंटेज एरर बन जाएगी, क्लियर है, एक बार ये सब नोट कीजिए। फिर अपन क्वेश्चंस देखते हैं ना बड़े बढ़िया से, ठीक है साहब, आगे देखिए क्वेश्चन नोट करें आप एक पहले, अब आगे की चीज मैं इस क्वेश्चन के माध्यम से एक्सप्लेन करना चाहता हूं ना, क्वेश्चंस देख, देखिए क्वेश्चन है, पानी का जो अपवर्तनांक है उसके आपको कुछ मान दिए गए हैं, क्वेश्चन सुनना, क्वेश्चन में लिख रहा हूं आप मेरे साथ साथ क्वेश्चन लिखें, पानी का अपवर्तनांक 1.29, 1.33, 1.34, 1.35, 1.32, 1.36, 1.30 तथा 1.33 मापा गया, निम्न की गणना करो, कुछ क्वेश्चंस आपको करने हैं, निम्न की गणना करो, इसमें फर्स्ट है आपको औसत मान चाहिए, और वैसे भी हम तो औसत मान ही निकालते सबसे पहले, खैर दूसरा है परम त्रुटि या निरपेक्ष त्रुटि, परम या इसी का नाम है निरपेक्ष, याद रखेगा, तीसरी आपेक्षिक और चौथी प्रतिशत त्रुटि निकालो, सुनना ध्यान से,
तीसरी निकालनी है आपको आपेक्षिक और नंबर चार आपको प्रतिशत त्रुटि। मेरी बातें बहुत ध्यान से सुनेंगे अब आप सब। अगर ये क्वेश्चन हो गया ना, आज मैं यही क्वेश्चन कराऊंगा केवल आपको बचे हुए टाइम में, तो यह मानना कि जितना आपने पढ़ा है एरर के अंदर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, गारंटी है मेरी। देखिएगा ध्यान से, मैंने कहा था कि आपको कोई ना कोई भौतिक राशि के बारे में चर्चा करेगा, तो इसने चर्चा की पानी के अपवर्तनांक की और आपको बहुत सारे मान दे दिए। ये ए वन हो गया, ये ए टू हो गया दूसरी रीडिंग 1.33, ए थ्री हो जाएगा 1.34, ए फोर 1.35, 1.32, 1.36, 1.30 और 1.33। ये अपवर्तनांक हैं पानी के। अब आप सबसे पहले आपको औसत मान निकालना है भाई साहब, तो आप औसत मान कैसे निकालोगे? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। कितनी राशियां हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो A1 प्लस A2 प्लस 8 तक लिख दूं, बटे में कितना आने वाला है साहब? 8। सारे आंकड़े जमा दो इसमें, औसत निकालो पहले। तो क्या क्या? 1.29, 1.33, 1.34, 1.35, 1.32, 1.36, 1.30, 1.33 में हमें भाग देना है 8 का। तो इन सबको जोड़ के देखें कितना आ रहा है, जोड़िए 3, 6, 3, 9, 2, 11, 11 और 5, 16 और 4, 20 और 3, 23 और 9, 32 के 2 हासिल कितनी लगी? 3। 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15, 3, 18, 3, 21, 3, 24 और 2, 26 हासिल 2। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10.62 बटे 8। अब भाग देख, देखो 8 एकम 8, 9, 10, 2, 26 हो जाएगा, 8 तिया 24, 25, 26, 2, 22 हो गया, 8 दुनी 16 कितना बचेगा? 22 में से 16 गया तो 6, 60, 58, 40, 48, 56, इतना आपका बर्तनांक आ गया। तो जो आपका औसत मान निकल के आया है, बुक में क्या दिया है देखना एक बार, ये जो औसत मान निकल के आ रहा है ना, कौन गया, औसत मान 1.33 लिखा है इसने। पॉइंट के 2 अंक लिए कोई दिक्कत नहीं है, हम पूर्णांकन कर देते हैं। लो इसका 1.3 पूर्णांकन समझते हो ना, 2 के बाद का अंक 5 से बड़ा है, ये 1 अंक बढ़ जाएगा 1.33। जो नहीं जानते हैं टेंशन ना लें, इस चैप्टर में आगे आएगा। तो एक क्वेश्चन तो हमारा खत्म हुआ, जल का अपवर्तनांक। बच्चों इस आंकड़े को आप सीधा भी याद रखें, 12th क्लास में जब आप ऑप्टिक्स पढ़ोगे तो वहाँ बहुत काम देगा। जल का अपवर्तनांक 1.33 है, जिसे हम 4/3 भी कह सकते हैं। आप 4 में 3 का भाग दे के देखना, 1.33 ही आएगा। क्लियर कहानी यहाँ तक? पहला मान हो गया औसत मान, 1.33 आप याद रखेंगे। नोट करो पहले इसको जल्दी जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे परम त्रुटि की। तो याद करो, परम त्रुटि तो हर पाठ्यांक की अलग अलग आती है साहब, परम त्रुटि तो हर पाठ्यांक की अलग अलग आती है। परम त्रुटि का प्रतीक डेल्टा ए होता है, माध्य माइनस वो जो रीडिंग आएगी वो। तो देखो डेल्टा ए वन कितना हो जाएगा? ए एम माइनस ए वन से निकलेगा, माध्य आया 1.33, इसमें से 1.29 एक साथ घटा लूंगा पहले आप देख लो, फिर डेल्टा ए टू दूसरे में त्रुटि, फिर तीसरे में परम त्रुटि, चौथे में परम त्रुटि, पांचवें में परम त्रुटि,
छठे में परम त्रुटि, सातवें में परम त्रुटि और आठवें में परम त्रुटि। ए एम माइनस ए टू, ए एम माइनस ए थ्री, ए एम माइनस ए फोर, ए एम माइनस ए फाइव, ए एम माइनस ए सिक्स, ए एम माइनस ए सेवन और ए एम माइनस ए आठ। ए एम कितना है? 1.33। इसमें सारी संख्या माइनस कर दो, 1.29, 1.33, 1.34, 1.35, 1.32, 1.36, 1.30 और 1.33। सॉल्व किया तो देखो ये प्लस में आएगी 0.0, कितना? 4। ये 0 आ जाएगा, ये माइनस में आएगी 0.01, ये माइनस में आएगी 0.02। गठन सब जानते हैं ना, प्लस में 0.01, ये माइनस में 0.03, ये प्लस में 0.03 और ये कितना आ जाएगा? 0। कुछ खेल आपको समझ में आया? तो परम त्रुटियों के कितने आंसर आए हैं? 8। परम त्रुटियों के कितने आंसर आए हैं? 8। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है यहां तक इसको लिख लो, फिर एक साथ करूंगा ना। पहले मैंने औसत मान निकाला, कितना आया? 1.33। फिर मैंने परम त्रुटियां निकाल के देखी, कितनी परम त्रुटियां आई हैं भाई? 8 आई हैं, ठीक है यहां तक। आगे अब आपको कौन सी त्रुटि चाहिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसा करो, लिख लो अपने हिसाब से। अब आपको क्या चाहिए भैया? आपेक्षिक मान चाहिए। तो आपेक्षिक त्रुटि का सूत्र क्या बताया था मैंने आपको? आपेक्षिक त्रुटि माध्य परम त्रुटि बटे औसत मान। तो औसत मान आपको पता है 1.33, आपको तो माध्य परम त्रुटि निकालनी है, और माध्य परम त्रुटि का सूत्र याद है? मैंने वो साफ और कर दिया भाई, कोई बात नहीं, देख लेंगे। माध्य परम त्रुटि क्या थी? सभी परम त्रुटियों का परिमाण, डेल्टा ए वन, डेल्टा ए टू, डेल्टा ए थ्री, डेल्टा ए फोर, डेल्टा ए फाइव, डेल्टा ए सिक्स, डेल्टा ए सेवन, डेल्टा ए आठ बटे आठ। तो डेल्टा ए बार कितना आएगा? देखो शायद 0.04 था, मैं फैला लूंगा क्योंकि 1.33 था ना, तो प्लस माइनस तो अपने को देखना ही नहीं, सब प्लस में आनी है, परिमाण की बात कर रहे हैं। यहां से कितनी आई? 1.33 से 0, फिर 0.01 तीसरी हो गई, 0.02, 0.01, 0.03। मैं इसमें से देख के लिख दूँ ना कहीं गलती हो जाए भाई अपने से ना, कौन कौन से? 0.04, 0, 0.1, 0.2, 0.1, 0.3, फिर वापस से 0.03 और ये 0। और हमें डिवाइड किससे करना है? 8 से। तो जब इसको आपने सॉल्व किया, 4, 5, 2, 7, 8, 3, 11 और 3, 14, 0.14/8। और जब आप 0.14 में किसका भाग दोगे? 8 का। 0.14 में 8 का भाग दोगे तो आएगा 0.02। कितना आएगा? 0.02। ये तो माध्य परम त्रुटि आया है, आपको निकालना है आपेक्षिक त्रुटि, देखना ध्यान से। तो आपेक्षिक त्रुटि कितना आएगा भैया? माध्य परम त्रुटि कितना है? 0.02 और औसत मान है 1.33, मतलब 2/133। 2 पॉइंट, 2 पॉइंट को खत्म कर देंगे ना, इसको आप सॉल्व करके देखिएगा,
ये आपका निकल करके आएगा, एक सेकेंड, 0.02, 0.015, क्या निकल करके आएगा बच्चों ये 0.015। हालांकि पूर्णांकन करने के बाद में 0.02 हो जाएगा, और फिर इसके बाद बात करेंगे हम प्रतिशत त्रुटि की। तो इसमें 100 से अगर मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 1.5% आ जाए। क्लियर है? अब आप इसको नोट कर लें ढंग से, ठीक है? बाकी बचा हुआ अपन अगली क्लास में देखेंगे, नोट करो।